के फोर्टिस हॉस्पिटल से स्कॉटी का पार्थिव शरीर हरिनगर के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में लाया गया है। और यहाँ पर जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 11 बजे से उनका पोस्टमार्टम शुरू होगा और पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा और दीनदयाल उपाध्याय में उनका लगे। लेकिन सतीश कौशिक के मौत के बाद पूरा बॉलीवुड आप कह रही है या टीवी इंडस्ट्री सदमे में है, क्योंकि हर उस किरदार को वो निभाते थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चूंकि वो दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली के NSD में पढ़ाई लिखाई किए, तो NSD के कई उनके साथी हैं उस समय वहाँ है जिनमें सदमे की खबर है। किरोड़ी मल कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की, तो एक बड़ा उनका जो ग्रुप है वो दिल्ली में भी है। और अपने दोस्तों के कहने पर ही मुंबई से वो दिल्ली होली के लिए आए थे, और जब वो गुड़गांव में अपने किसी साथ जानकार के यहाँ मिलने के लिए गए थे उसी दौरान कार में ही उन्हें हार्ट अटैक आया। और उन्हें जब जैसे ही अस्पताल ले जाया गया फोर्टिस अस्पताल, वैसे ही उनका डेथ डिक्लेयर किया गया। और उसके बाद अब उनके पार्थिव शरीर को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है, DDO हॉस्पिटल है, वहां पर लाया गया है। और कुछ देर के बाद उनका पोस्टमार्टम शुरू होगा, उसके बाद काउज ऑफ डेथ पता चल पाएगा किन कारणों से उनकी मौत हुई है। लेकिन फिलहाल दीनदयाल उपाध्याय में इंतजार किया जा रहा है, उनके कुछ परिजन भी हैं मौजूद और वेट कर रहे हैं कि कब डॉक्टर आएंगे और फिर पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाया जाएगा। बिल्कुल, और ऐसे में राजूराज दिल्ली में जिस तरह से आप बता रहे थे कि सतीश कौशिक ने काफी वक्त उन्होंने बिताया है, और ऐसे में जो उनकी फैन फॉलोइंग रही है, जो उन्होंने अपनी फिल्मों में जो किरदार निभाए हैं, अपनी कॉमेडी से सभी का दिल जीता है। और देखिए अब ये हंसता मुस्कुराता चेहरा अब किसी को नजर नहीं आएगा, बस उनकी फिल्में देख कर उन्हें याद किया जाएगा। क्या कोई दिल्ली में उनका कोई करीबी मौजूद है इस वक्त जिनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई? देखिए फिलहाल हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन दिल्ली में उनके काफी करीबी दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार है, रिश्तेदार है, क्योंकि हरियाणा के महेंद्रगढ़ के में उनका जन्म हुआ था, तो एक तालुका हरियाणा से भी है। उसके अलावा दिल्ली में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, चाहे वो कॉलेज हो या फिर जो एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले उन्होंने जो एक्टिंग देखा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने एक्टिंग सीखी, तो एक बड़ा सा उनका एक यहाँ पर एक ग्रुप है दोस्तों का। और अब देखना होगा कि अब से जैसी जानकारी सामने आई है कि दीनदयाल उपाध्याय में उनका पोस्टमार्टम होगा, तो निश्चित तौर पर कुछ देर के बाद देखने को मिलेगा कौन कौन से उनके परिवार के लोग और उनके साथी, उनके दोस्त यहाँ पर पहुंचते हैं। थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को दीनदयाल उपाध्याय मॉर्चरी में रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए तमाम ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं जो अलग अलग सभी जो निर्देशक है, एक तरफ अनुपम खेर ने यहाँ पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी, उन्होंने दुख जाहिर किया। सुभाष घई का भी यहाँ पर ट्वीट आया है। बता दें फिलहाल दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में पोस्टमार्टम की तैयारी यहाँ पर हो रही है। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सतीश कौशिक का यहाँ पर पोस्टमार्टम होगा।